नमस्कार, आदाब, राम राम। स्वागत है आपका बीबीएम न्यूज के खास कार्यक्रम बदलते गांव में। मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत। एक बार फिर आपको लेकर चलता हूं बदलते गांव की बदलती तस्वीरों की ओर। आज हम आपको दिखाएंगे पटला विधानसभा के गांव मेहमतपुर की कुछ बदलती तस्वीरें, जिनमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि बरसों पुराना गाँव देखते ही देखते कैसे बदल गया। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ संवाददाता मुकेश राजपूत और सहयोगी मोनू पांचाल के पास, जो हमें बदलते गाँव मेहमतपुर की तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं मुकेश राजपूत। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बदलते गांव की बदलती तस्वीरों में। आज हम बात करेंगे बल्लभगढ़ शहर से 16 किलोमीटर दूर गांव मेहमतपुर की। आज इस गांव के बारे में जानेंगे आखिर क्या है इस गांव का इतिहास और कितने साल पहले ये गांव बसा था। इस गांव का नाम मेहमतपुर आखिर कैसे पड़ा है और जो विकास कार्य हैं उनके बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस गाँव के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे इस गाँव की रोचक कहानी। तो चलिए चलते हैं इस गाँव की ओर। पिटला विधानसभा का गांव मेहमतपुर। हजारों की आबादी वाले गांव में किसान परिवार के साथ साथ नौकरी पेशे वाले लोग भी रहते हैं। गांव बल्लभगढ़ शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इस गांव की आबादी कुल 1000 की है और वोटिंग करीबन 700 है। गांव में कुछ ग्रामीण दिन भर खेतों में काम कर अपना जीवन यापन करते हैं, तो कुछ लोग नौकरी पेशे से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। छोटा गांव होने के कारण गांव में लगभग सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। हर किसी गांव का कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है। इसी प्रकार मेहमतपुर गांव का भी इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। मुसलमानी खेड़ा के नाम से पहचाने जाने वाला गांव कैसे मेहमतपुर में तब्दील हो गया, आइए दिखाते हैं रोचक इतिहास की दास्तां। देश का हर गांव इतिहास के पन्नों में कुछ न कुछ छिपाए हुए बैठा है। उसी प्रकार पिछला विधानसभा का गांव मेहमतपुर भी कुछ प्रकार का इतिहास सजोकर रखे हुए है। जी हां, गांव मेहमतपुर कभी मुसलमानी खेड़ा के नाम से पुकारा जाता था, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग रहते थे, जिसके बाद धीरे धीरे मुसलमानों ने इस गाँव का नाम मुसलमानी खेड़ा से मेहमतपुर रख दिया और समय के अनुसार मुसलमान इस गाँव को छोड़कर बाहर चले गए। अब इस गांव में मुसलमानों को छोड़कर सात जाति के लोग रहते हैं और इन सात जातियों में पंडित जाति अधिकतर निवास करती है। गांव मेहमतपुर में गांव की विरासत और इतिहास को याद दिलाने के लिए कुछ पुरानी इमारतें और कुएं अभी भी हैं, जो इन दिनों जर्जर अवस्था में हैं, मगर इतिहास को याद दिलाने के लिए मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक इमारतों और कुओं का रहस्य। हर किसी गांव में गांव के इतिहास को दर्शाने के लिए कुछ न कुछ ऐतिहासिक जरूर होता है। इसी प्रकार मेहमतपुर गांव में कुछ इमारतें ऐसी हैं जो कि पुराने इतिहास को बयां करती हैं। गांव में दो हवेलियां आज भी ऐसी हैं जो सैकड़ों वर्षों पुरानी हैं। बाकी की सभी पुरानी इमारतों को नए जमाने के अनुसार नया रूप दे दिया गया है। इस गाँव के अंदर आज भी पुराने कुएं मौजूद हैं जो कि कई सैकड़ों वर्षों पुराने बताए जाते हैं, पर समय के चलते ये पूरी तरह जर्जर हो गए हैं। अब इनसे लोगों ने काम लेना बंद कर दिया है। क्या नाम है आपका? क्या उम्र है जी आपकी? 90 साल। रघुवीर जी, गांव मेहमतपुर की आज बात करने आए हैं। गांव मेहमतपुर जो नाम है गांव का मेहमतपुर, आखिर वो कैसे पड़ा उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो जी, मतलब ऐसा है कि ऐसे पड़े हो गया, बड़े बूढ़े लोग कहते आ रहे हैं मुसलमान। अच्छा, मुसलमानी खेरे के बाद मेहमतपुर पड़े।
क्या मेहमतपुर तो पहले थे जो? अच्छा, मुसलमानी खेड़ा भी कहा जाता है। तो फिर क्या इसमें आप भी मुसलमान लोग रहते हैं? ना, अब ना है, सारे चले गए। ठीक। इस गांव के अगर जो हम ऐतिहासिक बात करें, पुराना आखिर पुराना जो एक बसावट होती है वो कैसे है, कितना पुराना है? अब पता ना जी, बड़े बूढ़े कहे पर पुराना हुई ये गाँव तो कितना पुराना है? हलो ही पुराना हुई, दो से ढाई सौ कुछ, दो से ढाई सौ ज़्यादा हुई। अच्छा, चलो 200-250 साल पुराना है गांव है। कहाँ से निकास है इस गांव का? पता जा रहा है कि छाए से निकास है। माहौल कैसा था उसका? माहौल बढ़िया हुआ थे, खान पीन बढ़िया हुआ थे, माहौल झील को वैसे कोई झगड़ेबाजी कोई बुजुर्ग पहले बैठा करते थे चौपालों पर? हाँ, चौपाल नहीं थी तो वैसे बैठ जाते थे ही हमारे हुक्का लगा करके। पानी हुक्का का पानी पत्ता चौपाल पर गांव सो गया। अच्छा, छाया ही चौपाल को। अच्छा अच्छा, कितना भाईचारा था? हाँ, आजकल बहुत अलग अलग है चक्कर, कोई मंदिर पे है कोई कहीं अलग बैठा कोई अलग बैठा, चक्कर क्या इसका? पहले तो ऐसे ही धंधो 10 आदमी बैठ जाए एक जगह। तो ये दो हवेली हैं कितने साल पुरानी हैं? ये सैकड़ों साल पुरानी है। सैकड़ों साल पुरानी है। क्या कुछ इतिहास है इनका? कौन थे इनके मालिक? अब क्या ये इसमें कोई रहता है या नहीं रहता? अब रहते हैं, एक परिवार रहता है, बाकी बाहर बना लिए मकान। अच्छा, कौन किस किन लोगों की थी ये? कौन थे? इनके बाबा का नाम था गंगा शाह, पंडित गंगा शाह। अच्छा अच्छा, उनकी है। गाँव में और इस तरीके की कोई हवेलियाँ हैं जो कि अपने सैकड़ों साल पुराने इतिहास को उजागर करती हैं? थोड़ा बहुत कम और है आगे हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं रही आप? क्यों? सब खराब है कि नीचे पड़ गई, दोबारा मकान तोड़ तोड़ बना दिए सब। अच्छा, नई मतलब नई तौर तरीके में बदल गए घर मकान। बदलते गांवों की बदलती तस्वीरों में इतना ही नहीं, मेहमतपुर गांव के ग्रामीणों को अपने गाँव में पहले की अपेक्षा क्या क्या सुविधाएं मिली है, आइए एक नज़र उन सुविधाओं पर भी डालते हैं। गांव में कच्ची गलियों को पक्का कर टाइल लगवा दी गई है, जिससे गांव के लोग और आने जाने वाले रिश्तेदारों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। गांव में मीठे पानी की सुविधा घर घर तक पहुंच गई है। जहां गांव की महिलाओं को दूर दराज से मीठा पानी भर के लाना पड़ता था, मगर अब घर में मीठा पानी पहुंच जाने से महिलाओं को सुविधा मिली है। गाँव की हर गली में हैंडपंप लगा दिए गए हैं। गाँव में पक्की नालियों के जरिए गंदा पानी गांव की जोहड़ में पहुंचता है। बरसाती पानी और गंदे पानी की निकासी के लिए प्रबंध किया हुआ है, जो कि जोहड़ में एकत्रित होता है, जिससे पशु पक्षी जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र भी खुला हुआ है, जिससे गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता का खाना भी दिया जाता है। गाँव मेहमतपुर की बात करें तो गाँव में शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक भवन भी बनाया हुआ है, जिसमें गांव के लिए खुशी और गम में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गांव मेहमतपुर की बात करें तो गांव में 5 मई 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिमोट द्वारा पार्क और व्यायामशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर बल्लमगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा मौजूद रहे, जिसके बन जाने से ग्रामीण रोजाना पार्क में व्यायाम करते हुए दिखाई देते हैं। गाँव में हाल ही में नई सुविधा दी गई है, वो है ग्राम सचिवालय। हर छोटे बड़े कार्यों के लिए ग्रामीणों को तहसील व लग सचिवालय दौड़ना पड़ता था, अब छोटे छोटे कार्य ग्रामीणों के लिए गांव के ही ग्राम सचिवालय में पूरे हो जाएंगे और ग्रामीणों की भाग दौड़ बच जाएगी, जिसे जल्द शुरू कर दिया जाएगा। गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है, जो कि करीब 60 से 70 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस गांव के मंदिर में इन गाँव के लोगों की आस्था बसती है और पूरा गाँव इस मंदिर को बहुत मानता है। तरक्की पूरी तरीके से हुई है? तरक्की हो तो रही है यार, बढ़िया ही है। गांव में क्या क्या है तरक्की के लिए? गांव में सामुदायिक भवन है, चौपाल, हर बरादरी की चौपाल अलग अलग बनी हुई हैं, गली भी ठीक बनी हुई है, खरंजा वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है? स्ट्रीट लाइट नहीं है, देखी जा रही को ये यही लग रही है, ये चालू ना खराब है, दिखावटी लग रही है सर। अच्छा, दिखावटी लग रही है। किस तरीके के विकास कार्य गांव में चल रहे हैं? सरपंच बहुत है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, सरपंच है हमारे ये राजकुमार जी। राजकुमार जी, कैसा गांव में विकास कार्य चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। जिस तरीके से युवाओं की सोच थी, सरकार भी रखती थी कि युवाओं की सोच एक अलग होती है और युवाओं को मौका देना चाहिए, तो क्या जो युवाओं को मौका इस बार दिया है सरकार ने, क्या वो ठीक है? बहुत बढ़िया जी, नए नए युवा
सरपंच बने, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, गाँव में क्या क्या काम हो चुका है? ये पक्की नाली है, पक्की सड़क है, सभी काम बढ़िया चल रहे हैं। चौपाल वोपाल है हमारा, जो वो सामुदायिक भवन है, और जो पार्क बहुत बढ़िया पार्क है जी, पूरे मतलब पृथला सभा के अंदर सबसे बढ़िया पार्क बना। किसने बनाया इसे? ये सरपंच की वो है जी सोच है। तो अच्छा लगा है गांव जी? बहुत बढ़िया, ढाई साल हो गए हैं, ढाई साल और बच्चे हैं। हाँ, तो गांव किस तरीके से बहुत और भी काम होंगे जी, और भी अच्छा होगा। आज हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, उस गांव की जो विकास कार्यों की जो नींव है, वो जिस इंसान ने रखी है, वो इंसान हमारे साथ मौजूद है, अनिल, जो कि गांव नरियाले के रहने वाले हैं और इस गांव में ठेकेदार के बतौर काम कर रहे हैं, और इस गांव को, इस गांव का सौंदर्यकरण करने में एक बहुत बड़ा योगदान अनिल जी का रहा है। इस मौके पर हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। आखिर गांव में जो उन्होंने जो सौंदर्यकरण किया है, आखिर क्या उनकी सोच थी, सरपंच से सहयोग, बाकी ब्लॉक से सहयोग आखिर कैसा मिला, गवर्नमेंट का सहयोग कैसा था, और आगे जो भी कमियां इस गांव में देखी जा रही हैं, आखिर उन्हें किस तरीके से ये सौंदर्यकरण रूप में जो बदलेंगे, तो उन पर कुछ चर्चा करते हैं। अनिल जी, इस गांव में आज हम पहुंचे हैं और इस गांव में फिलहाल हम जब खड़े हैं, ये एक व्यायामशाला है और बहुत अच्छा पार्क आपने बनाया है। अपनी सोच को लेकर के आखिर कहाँ से सोच आई और किस तरीके से आपने इस गांव को इस तरीके से सौंदर्यकरण किया? ये हमारे CM साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी की देन है, उन्होंने हरियाणा में काफ़ी मात्रा में व्यायामशालाएँ बनवाई हैं और सरकार का काफ़ी सहयोग रहा है, विधायक जी का सहयोग रहा है, उन्होंने पैसा मंजूर कराया है और इसमें सरपंच साहब का भी बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने साथ दिया है और हमने अच्छा माल लगाया है इसमें और काफ़ी मात्रा में गाँव वालों ने काफ़ी सहयोग किया है। और भी गांव में कई काम चल रहे हैं, यहाँ पे चौपाल वगैरह बन रहे हैं और 3-4 चौपाल पहले भी बन चुकी हैं यहाँ पे। एक इतना अच्छा आपने ये जो पार्क बनाया है, एक बात यहाँ पर ये है अनिल जी के, बनाई तो जा सकती है कोई चीज़, पर उसे रखरखाव की जो बात आती है वो एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है, उसे किस तरीके से यहाँ, क्या इस तरीके से यहाँ पर संजो कर रखेंगे इस पार्क को, या फिर ये भी खराब? अभी तो कोशिश की जा रही है इसे संजो कर रखा जाए, लेकिन हमारी पंचायत के पास इतना फंड नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि हम इसे अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम रख रखाव कर पाएँ, गांव वाले भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, वो काफ़ी मात्रा में इसमें काफ़ी लोग आते हैं, शाम के टाइम बैठते हैं पार्क में, पार्क का आनंद लेते हैं और मेहनत भी करते हैं, घास वगैरह जो खराब घास हो जाती है उसे निकालते हैं इसमें से, और पेड़ों में पानी लगा रहे हैं, अभी खुद ही सारा कार्य कर रहे हैं। वैसे तो इसमें अभी कई ज़रूरतें और भी हैं, जैसे इसमें एक कमरा बने, चौकीदार को नियुक्त किया जाए, बाकी फंड ना होने की वजह से, फंड कम है हमारी पंचायत के पास, इसलिए थोड़ी मजबूरी है। अनिल जी, हल्के का मुखिया होता है विधायक जी, आखिर विधायक की तरफ से किस तरीके का यहाँ पर योगदान है, क्या आश्वासन है, क्या? विधायक जी का ही योगदान है, जहाँ हम खड़े हैं आज ये विधायक जी की देन है, उन्होंने ही सरकार से इसे मंजूर कराया है और यहाँ पृथला विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यायामशाला उन्होंने मेहमदपुर गांव के लिए दिए, जिस जबकि मेहमदपुर गांव की आबादी बहुत ही कम है, बड़े बड़े गांव भी हैं वहाँ भी इतना पैसा नहीं दिया जितना यहाँ पे विधायक जी ने दिया। गांव में और भी सौंदर्यकरण करने की जगह हैं, कई भी और भी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में आपने क्या सोचा है किस तरीके से? गाँव में जैसे एक चौपाल बना रहे हैं जो खंडर हो चुकी थी, अब बीच में उसे लगभग एक महीने में वो पूरी हो जाएगी और उसे नए तरीके से बनाया जा रहा है, मॉडर्न तरीके से तैयार करेंगे उसे भी और कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसे बना पाएं हम। विकास की डोर ठेकेदार के हाथ में होती है, क्योंकि अच्छा माल लगाएगा तो अच्छा विकास कार्य दिखाई देगा, वो अच्छे दिनों तक चलेगा, काफ़ी दिनों तक चलेगा, पर कई जगह हमने देखा है कि ठेकेदार एक कोताही बरत देते हैं विकास कार्यों में और वो विकास कार्य ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कई बार हो जाता है, कुछ भाई हमारे लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी, अगर इसमें हम कोताही करेंगे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, आगे नींव खराब हो जाएगी, आगे कोई काम नहीं देगा। तो आप मानते हैं क्या अच्छा काम करना चाहिए अपने, जो आपको मिला है, जो वक्त मिला है, उस अच्छे तरीके से निभाना, कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा बेहतर काम कर पाएँ,
अच्छा काम करेंगे, आगे अच्छा काम मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सोच थी, वो ठेकेदार है हमारे साथ अनिल जी, उनकी एक सोच थी कि आखिर विकास कार्यों को अच्छी तरीके से जो दिखाना है करना है, तो उससे क्या है कि नींव जो अच्छी रखोगे आप, अच्छा सामान यूज करोगे, तो वह ज़्यादा दिन तक चलेगी और अच्छी दिखाई भी देगी, जिससे आपका एक नाम अलग होगा। ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि इस गांव के इस व्यायामशाला में ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी और भी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जो इन्हीं ठेकेदार ने कड़ी मेहनत के साथ बनाई है, और जो सरपंच का योगदान है वो भी बहुत अच्छा रहा इनके साथ, बाकी गवर्नमेंट का भी योगदान अच्छा रहा है। अभी आपने देखा बदलते गांव मेहमतपुर की सुख सुविधाओं को, मगर गांव में एक खास पहलू अभी भी सुविधा से वंचित है, वह है गांव का स्कूल, जो कि पांचवी कक्षा तक है, जहां तक जाने के लिए कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ता है। देखिए तस्वीर। गांव में सरपंच ने शहर की तर्ज पर विकास जरूर करवाया है, मगर सबसे अहम पहलू को अछूता छोड़ा हुआ है, जिस पहलू के कंधे पर देश का भविष्य है। उन्हीं कंधों पर बैग लटकाकर स्कूल जाने वाले नौनिहालों को स्कूल पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव का स्कूल पांचवी क्लास तक ही है, और स्कूल तक जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से कच्चा है। बरसात के दिनों में तो इस रास्ते से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, यदि कोई जाता भी है तो कीचड़ की वजह से उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। वैसे भी स्कूल में पांचवी कक्षा तक पढ़ने के बाद बच्चों को दूसरे गांव नरियाला में जाकर आगे की पढ़ाई करनी होती है। जिस जगह हम खड़े हुए हैं वो है मेहमतपुर का एक रोड, एक ऐसा कच्चा रास्ता जो कि गांव से स्कूल तक आता है, और यहीं एक पास ही में, स्कूल के पास ही में एक पुराना मंदिर है जो पूरे गांव की आस्था का प्रतीक है। इस रास्ते के बारे में हम बात करेंगे, कच्चा रास्ता है, गांव मेहमतपुर से मेहमतपुर के गांव सरकारी स्कूल तक आता है, और इस रास्ते पर ये समझ लो कि बारिश हो जाए तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चे, गांव के बच्चे हैं वो, जो मेरे पीछे स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है, इस स्कूल तक आते हैं बच्चे। ऐसे में अगर रास्ता ख़राब हो तो बच्चे कैसे आएंगे? बच्चे गांव का भविष्य होते हैं, आने वाला जो समय होता है वो बच्चे इस गांव का भविष्य बनते, पर बच्चे भविष्य कैसे बने, क्योंकि रास्ता ही ऐसा ख़राब है, स्कूल आना तो बहुत दूर की बात है, स्कूल के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इस गांव की कुछ, गांव के स्कूल की कुछ अंदर की तस्वीरें। ये प्राइमरी स्कूल है, आखिर इसकी तस्वीरें कैसी हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपका कौन सी क्लास तक का स्कूल है ये? सर हमारा स्कूल प्राइमरी तक है, फिफ्थ क्लास तक। क्लास तक है जी। आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं सुधर रहा ये रास्ता, आखिर बच्चे कैसे आते हैं यहाँ पर? ये जो मेन समस्या है हमारी, इधर हमारा जो सबसे प्राचीन मंदिर है बुद्धदास के नाम से, और ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चे इसलिए कम एडमिशन ले रहे हैं कि ये रास्ता ख़राब है। मैंने कई बार विधायक साहब से भी बोला था तो उन्होंने कह दिया है कि अभी अगले महीने में, एक दो महीने में ये पक्का हो जाएगा। ये शमशान का भी रास्ता है हमारा मेन यहाँ से, और स्कूल का भी है। कितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? इसमें सर समथिंग 20-22 बच्चे होंगे। टीचर कितने हैं? दो टीचर हैं इसमें। बच्चों की कमी का कारण? कमी का कारण यही है कि कच्चा रास्ता है, बरसात के समय तो आ ही नहीं सकते इसमें। तो क्या उम्मीद है स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी इस गांव के अगर स्कूल का रास्ता बन जी जाए? जी बिल्कुल बढ़ेगी। अभी प्राइमरी तक है तो बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? आगे के लिए नरियाला गाँव है हमारा पास में, और आगे इससे आगे पनहेड़ा गाँव है। कितने फासला गाँव का? यहाँ से समथिंग नरियाला तो 1 किलोमीटर है, और 3-4 किलोमीटर पनहेड़ा पड़ेगा। अच्छा, वहाँ के लिए दूर दूर तक बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? क्या कहते सर, इसमें यदि इसमें रास्ता ठीक हो, फैसिलिटी अच्छी मिल जाए तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की क्या जरूरत है। गाँव का तो सुधार सौंदर्यीकरण करवा दिया आपने, क्या स्कूल का भी सौंदर्यीकरण करवाएंगे? जी हाँ बिल्कुल कराएंगे, जैसे विधायक साहब हमारे माननीय टेकचंद शर्मा जी काफ़ी प्रोग्रेस करा रहे हैं, उन्हीं के कर कमलों से गाँव में बहुत प्रोग्रेस हुई है। बिल्डिंग भी कुछ ना कुछ कंडम से दिखाई दे रही है? नहीं अभी कुछ, इधर 2-3 कमरे नए बने हैं अभी 2-3 साल पहले, बाकी पुराना तो है ही काफ़ी टाइम। अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ टीचर अच्छी मेहनत करते हैं, जैसे कम बच्चे उस हिसाब से बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेहमतपुर गाँव है इसके अंदर जो कार्य हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं, और एक बहुत अच्छी नई सोच के साथ हुए हैं जी। और जो सरपंच है वो भी युवा सरपंच है, उसकी भी सोच बहुत अच्छी है, जो ग्रामवासी हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा है इस चीज़ में, और जो मेम्बरान हैं वो भी सारे युवा हैं, उनका भी अच्छा, बहुत अच्छा सहयोग रहा है। इसके साथ ही हमारे विधायक साहब का भी बहुत इस समय सहयोग रहा है, हमारे
जो खंड विकास अधिकारी हैं पूजा शर्मा जी, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है और सरकार की तरफ से भी हमें इसे बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि बिना राशि के भी कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। और जो विकास कार्य हुए हैं वो इतने अच्छे हुए हैं, जैसे घर जैसे काम हुए हैं, वो ऐसे काम नहीं हुए कि कोई भी चीज़ उठाई और लगा दी, नहीं, हर चीज़ सोच के और हर चीज़ अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। और जिसका ये कारण है कि एक नई दिशा बिल्कुल गांव को मिली है, ऐसी दिशा मिली है कि जो कोई बाहर से आकर देखता है वो यही सोचता है कि वाकई में ये गांव इतना डेवलप हो गया है इतने कम टाइम में, बहुत कम टाइम में, क्योंकि 8-10 साल पहले इस गांव की दशा बिल्कुल ही खराब थी और उसके बाद तो इतना डेवलप हुआ है, बिल्कुल ही बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। और वहाँ अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, व्यायामशाला बनी हुई है, हर जाति के लिए अपनी चौपाल बनी हुई है और वहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं और जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। गांव बहुत छोटा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, 200 घर बताए जा रहे हैं गांव में। हाँ जी, पर उस हिसाब से गांव को देखे अभी और दिशा जो मिली है वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होती, और भी गाँव को विकास की जरूरत है, तो किस तरीके से, किस सोच के साथ आप काम करेंगे उसमें? देखो, इसका जो इसके अलावा और जो विकास किया जाएगा वो बिल्कुल नई सोच के साथ किया जाएगा और युवा पीढ़ी को और ग्रामवासियों को साथ लेकर किया जाएगा, जो जरूरत होती है जरूरत के हिसाब से। वो एक कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और उसके आधार पर जो विकास कार्य किया जाएगा वो हमेशा सफल होगा। एक व्यायामशाला भी बनाई गई है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव से किया गया है, कहाँ से ये सोच ली, किस कहाँ से आइडियाज आए इस तरीके के? उस व्यायामशाला को बहुत ही परिश्रम से बनाया गया है, बिल्कुल घर जैसा बनाया गया है। और जब दिल से कोई चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ हम अगर दिल से बनाते हैं तो सारी कायनात उसके साथ लग जाती है और वो चीज़ हर आने वाले को अच्छी लगती है। जब हम इस व्यायामशाला का उद्घाटन करवा रहे थे और जिसने भी ये व्यायामशाला देखी तो उन्होंने यही कहा था कि मैं यहाँ बैठा हुआ सोचता हूँ शायद इंद्रदेव भी ऐसी जगह रहते होंगे, जितनी अच्छी ये व्यायामशाला यहाँ बनी है और जितना विकास हुआ है वो बहुत ज़्यादा विकास है, बहुत अच्छा विकास है। शिव कुमार जी, व्यायामशाला बना दी, बहुत ही अच्छी बनाई, बहुत सुंदर बनाई, क्या उसे उस तरीके से मेंटेन रखा जाएगा? जी बिल्कुल मेंटेन रखा जाएगा उसको, और ऐसे ही मेंटेन रखा जाएगा उसको, हर चीज़ मेंटेन रखी जाएगी। आप सेक्रेटरी हैं महमदपुर गाँव के, तो और क्या क्या जरूरत है गांव को, गांव के निवासियों को, कि भाई जो बहुत जल्दी उन्हें देने की जरूरत है? देखो जी, इसके साथ हम ये सोचते हैं कि हमारा जो ये विकास है, इस विकास के साथ हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो गांव की हमारी युवा पीढ़ी है, लड़कियां हैं, उन्हें कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन और मिल सके। हमारा सचिवालय बना हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, तो हम उनके लिए कुछ ऐसी योजना ला रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आज जमाने के हिसाब से सीख सकें, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और सोच को आगे बढ़ा सकें। क्या लोगों को जल्द ही एक नई दिशा मिलने वाली है? जी बिल्कुल, एक नई दिशा मिलने वाली है और इस नई दिशा मिलने के बाद ही बहुत अच्छा काम होता है और एक दिमाग बिल्कुल ताजगी महसूस करता है। क्या स्कूल के लिए भी कोई रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है? जी सर बिल्कुल बनाया जाएगा, स्कूल का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कच्चा है आगे, वो भी पक्का करवाया जाएगा। तो जो सहयोग मिल रहा है वो सबकी तरफ से बहुत अच्छा मिल रहा है या फिर कोई कहीं कोई कोताही बढ़ती जा रही है? जी नहीं, बिल्कुल कोताही नहीं बढ़ती जा रही, सहयोग जो मिल रहा है वो सबकी तरफ से बहुत अच्छा मिल रहा है, उसी सहयोग की बदौलत ये सारे काम हुए हैं। क्या आने वाले 2.5 साल इस गांव के लिए कुछ नई तरक्की बन के आएंगे? बिल्कुल नई तरक्की बन के आएंगे जी, वो इससे भी ज़्यादा बेटर सिद्ध होंगे इस गांव के लिए, बहुत अच्छे सिद्ध होंगे इस गांव के लिए और इस गांव की एक नई तस्वीर बनेगी बिल्कुल। अब आपको लेकर चलता हूं गांव के मुखिया यानी कि युवा सरपंच राजकुमार के पास, जिनकी नई सोच ने गांव में क्या क्या विकास करवाए हैं और बदलते गांव में अपनी क्या क्या भूमिका निभाई है। युवा सरपंच राजकुमार की माने तो गांव पूरी तरह से विकास की राह पर है। अब तक गांव में लाखों रुपए के विकास कार्य हो चुके हैं और अभी भी विकास कार्य बाकी हैं। जल्द ही गांव को मॉडर्न गांव बनाकर सभी गांव के लिए आदर्श गांव बना दिया जाएगा। अब गांव के आखिरी पड़ाव में हम आप पहुंचे हैं गांव के सरपंच के पास, जो इस गांव की देख रेख रख रखाव का जिम्मेदार है, जो इन विकास कार्यों का जिम्मेदार है, गांव में कोई भी कमियां हो वो उसका जिम्मेदार है। सरपंच से हम बात करेंगे इस गांव के बारे में, आखिर सरपंच का क्या मानना है, क्या कहना है, गांव की तमाम जो समस्या है उनको लेकर के, तमाम जो विकास कार्य करवाए हैं उनको लेकर के कुछ चर्चा करने का विषय है, तो उसमें हम बात करके गांव महमदपुर के सरपंच हमारे साथ राजकुमार जी, तो ये उनसे जानते हैं आखिर
गांव के लिए जो अब तक उन्होंने विकास कार्य करवाए किस सोच के साथ और आगे जो करवाएंगे वो क्या होगा उनका जो अगला कदम होगा? सरपंच साहब, पहले तो आप ये बता दीजिए गांव में विकास कार्यों की हम बात कर रहे हैं, विकास कार्य आखिर किस तरीके से हैं, क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं अब तक, कितना पैसा गाँव में लगा चुके हैं? विकास कार्यों की बात की जाए तो लगभग हमारे गांव में जैसे मान लो पिछली योजना में ग्राम सचिवालय अधूरा पड़ा था और कम्युनिटी सेंटर है और ये अपना प्रजापत चौपाल ये अधूरे पड़े थे काम, ये लगभग सभी हमारे माननीय विधायक पंडित टेकचंद शर्मा जी के मौजूदगी में उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया, पैसा दिया हमें और उनके सहयोग से ये काम मैंने लगभग कंप्लीट कराया स्टार्टिंग में पिछले साल में। उसके बाद में वाल्मीकि चौपाल नहीं थी, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी उनके साथ में, कोई डेथ हो जाती थी तो रास्तों में बैठते थे जी। तो पिछले लगभग 10 साल हुए तीसरी योजना है पंचायत नावली गांव से अलग हुई हमारी ये और इसमें सबसे पहले मैंने ये विकास कार्य कराया था वाल्मीकि चौपाल का, विधायक साहब ने हमें कुछ पैसा दिया था, कुछ पंचायत फंड से लगाया उसमें, तो उनकी समस्या सबसे पहले हल की हमने। और अपना अब जो फिलहाल कार्य चल रहे हैं ब्राह्मण चौपाल जो काफ़ी खंडर पड़ी थी 500 साल पहले थी तो उसको तोड़वा दिया है, उसका काम अभी चल रहा है। इधर एक अभी ग्रांट अभी आई है 10 लाख रुपए की हमारे वाइस चेयरमैन कप्तान सिंह भाटी जी ने दी है, सॉरी मतलब उनकी मिसेज है गुड्डी भाटी जी वाइस चेयरमैन, तो उन्होंने 10.5 लाख रुपये दिया है इसी चौपाल के लिए, उसका भी काम प्रोग्रेस पर है। और नाली नूलियाँ बनवाई हैं, रास्ते जो काफ़ी नीचे थे पानी भर जाता था बरसात के टाइम में वो भी ठीक कराए हैं, और जो लीकेज हो रही थी काफ़ी लीकेज भी ठीक होती है समय समय पर, नल हैं नलकूप वगैरह जो दिक्कतें आती हैं पानी की समस्या से रिलेटिव सारे काम लगभग ही दुरुस्त करा दिए हैं। करीबन कितना पैसा मान के चले जो इनमें लगाया है? अभी जो पैसा लगा है लगभग मेरे हिसाब से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक के बीच में लग चुका है जी। गांव को विकास को विकास की बहुत ज़रूरत है अभी भी। हाँ जी अभी भी ज़रूरत है। कई ऐसे काम हैं जो कि अभी नहीं हुए हैं जिनको लेकर के अभी भी कोई समस्या आ रही है, कि गांव के लोग भी इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं आपसे, तो कितना और विकास कार्य गांव में होना बाकी? विकास कार्य तो जितना किया जाए उतना ही कम है गाँव के लिए, और मेरे हिसाब से अभी हमें बहुत मस्ट है हमारा जो शमशान घाट है उसमें कोई साइड अभी तक नहीं है, बाकी अभी 2 लाख रुपये हमारे विधायक साहब ने दिया है उसकी नींव खुदवा दी गई है, काम प्रोग्रेस पे है। मैम ये जो दो काम जो आपने बताए हैं वो आखिर क्या लागत उनमें लगेगी और कब तक वो बनकर तैयार हो जाएगा, कब तक लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी? सर ऐसा है लागत तो 50 लाख भी कम पड़ेगी, बाकी हमारे हिसाब से 50 लाख में दोनों काम दुरुस्त हो जाएंगे। तो क्या कोई उम्मीद है जी कहाँ से पैसा आना है, किससे बात होगी? हमारे विधायक जी पंडित टेकचंद शर्मा जी ने कहा है कि कोई बात नहीं 1-2 महीने में सारा काम कम्प्लीट करा देंगे। जो समस्या है गांव में सबसे बड़ी समस्या है साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई बहुत कम है गांव के अंदर, जिस तरीके से गांव छोटा है और अच्छा गांव है तो उस तरीके से गांव में साफ़ सफाई की सबसे बड़ी समस्या, वो कैसे आखिर क्यों है, वजह क्या है? साफ़ सफाई तो लगभग ठीक ही है, बाकी एक स्वीपर है हमारे गांव में, बरसात के टाइम में दिक्कतें आती हैं, नाली जैसे पन्नी वगैरह ये कूड़ा करके जो नालियों में आ जाता है उससे रुकाव हो जाता है उसमें, उसकी वजह से थोड़ा सा घरों में किसी घरों में पानी चला जाता है या रोडों पे पानी आ जाता है, तो एक स्वीपर होने के कारण थोड़ी दिक्कत है, बाकी सभी लोग मोटिवेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रीट लाइट वगैरह है वो? स्ट्रीट लाइट तो लगभग आज से कोई 10 साल पहली योजना में लगी थी, फर्स्ट टाइम लगी थी, उसके बाद में कोई आपने कोशिश नहीं करी? कोशिश की है, अब एक तो सबसे मेन समस्या है जो हमारा पंचायत फंड है, हमारे पास पंचायत फंड का अभाव है, पंचायत की इतनी आमदनी ना होने के कारण हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कितना है फिर भी इसमें? 6 एकड़ जमीन जो पट्टे की जाती है 1-1.5 लाख के बीच में जाती है वो, और एक अभी पिछले साल से लगभग 2 साल से आमदनी हुई है जोहड़ की जिसमें 3.5 लाख के समथिंग किस्त आती है, जिससे जो छोटे मोटे काम है जैसे नल वगैरह है लीकेज वगैरह है, ये तो लीकेज का तो अलग मैटर है, बाकी कोई गली गिरा रहा है जैसे कोई जाल जुल और इधर थोड़े जो छोटे मोटे कार्य। आप युवा हैं, युवाओं की एक सोच एक अलग होती है हट करके, क्योंकि पहले सरपंच बना करते थे बुजुर्ग थे, उनकी सोच एक बुजुर्ग के हिसाब से थी, आज आप युवा हैं जी, युवाओं की एक नई सोच होती है गांव को लेकर के
या किसी भी चीज़ में ले लो, आप अपने घर से रिलेटेड उठा लो, घर को किस तरीके से सजाना है, किस तरीके से बनाना है, उसी प्रकार गांव को भी किस तरीके से बनाना है, सजाना है, तो उस सोच को लेकर के हम आपसे बात करना चाहते हैं। आखिर गांव के लिए आपने क्या सोचा है? मैंने गांव के लिए ये सोचा, गांव के अंदर सबसे पहले तो बिजली पानी की कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद में गली किनारे हैं ये, और स्ट्रीट लाइट वगैरह का कहीं से प्रावधान हो कि जो दिक्कत ना आए कि रास्तों में कीचड़ रहे या कोई गंदगी रहे, इस तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और हमारे ग्राम सचिवालय बना हुआ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसमें अभी इसमें भी काफ़ी मेहनत की है लोगों ने, मोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई साफ़ सफाई थोड़ी बहुत हो जाती है बरसात के टाइम में घास फूस हो जाती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है साफ़ सफाई बारे में भी। बाकी इसमें भी समरसीबल लगवा दिया बिजली कनेक्शन की, अब एक दो दिन में बिजली के कनेक्शन लग जाएगा इसमें, और सारी सचिवालय की और ये चौपाल वगैरह की सबकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ढाई साल का रिजल्ट अगर जो बात कर रहे हैं, अभी तक का रिजल्ट अच्छा है ढाई साल का जी, बच्चे आपके ढाई साल किस तरीके का रिजल्ट आप जनता को दिखाना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट मिले और गांव का विकास हो, कि आने वाले समय में भी कोई याद रखे कि भाई कोई काम करके गया था सरपंच, कि कल को ये बहुत से काम है, अभी भी काम गिनाए जाए तो बहुत काफ़ी काम है, कुछ गलियाँ भी कच्ची हैं गांव में, और तो गांव को एक अच्छी दिशा देने वाले हैं जी, ये माना जाए जी। एक कहते कोऑर्डिनेशन होता है अफसरों के साथ में, एक अधिकारियों के साथ में, वो कैसा कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि यहाँ सेक्रेटरी भी काम करता है आपके साथ, ठेकेदार भी काम करता है, ब्लॉक जो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो भी काम करते हैं, प्लस विधायक भी साथ में काम करते हैं, तो इस तरीके अधिकारियों से कैसा आपका कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से अधिकारी आपको सहयोग करते हैं इस काम में? सहयोग की बात की जाए तो लगभग सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया अभी तक, बाकी जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ में गांव के विकास में। हमारे सबसे पहले माननीय विधायक जी हैं, उनका आशीर्वाद ऐसा है कि गांव के ऊपर के लगभग छोटा सा जैसे आबादी 1000 के समथिंग आबादी, उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया उन्होंने और अच्छे विकास कार्य होने, और हमारे जो ठेकेदार हैं मैं भी उनसे ये स्पष्ट बोल देता हूँ भाई काम सबसे अच्छा होना चाहिए, कल को कोई ये ना कहे कि इसमें पीली ईंट लग गई है या मसाला खराब लग गया है, इस तरीके की कोई कमी नहीं कोताही नहीं बरती गई है मेरी तरफ से तो। और अभी भी आपने गांव में व्यायामशाला बनी है बहुत अच्छी बनी है, और सभी जितनी भी हमारी जाति माताएं बहनें गांव की उसमें पार्क में घूमने के लिए सुबह शाम, तो आज तक सभी ने जैसे कोई घास फूस है या कोई किसी तरीका की जो अलग चीज़ जो पैदा हो रही है उसमें उसको उखाड़ के फेंकते हैं, साफ सफाई पूरा ध्यान रखते हैं। सेक्रेटरी का कोऑर्डिनेशन कैसा है? सेक्रेटरी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही साफ काम कर रहे हैं हम दोनों के अधिकारी सही तरीके से। हाँ जी चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, जिन्होंने तमाम जो समस्या थी बातें थी हमारी, जो तमाम जो क्वेश्चन थे उनका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। और ढाई साल में आपको बता दूँ, ढाई साल पंचायत को हो चुके हैं, बचा ढाई साल है, तो वो देखना ये होगा कि आने वाला ढाई साल सरपंच गांव के लिए किस तरीके से काम करते हैं, जो रह गए हैं विकास कार्य उन्हें किस तरीके से पूरा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर हालांकि अब बता दें, हम ढाई साल का जो अब रिजल्ट हम पेश कर रहे हैं आपके सामने वो बखूबी बहुत अच्छा है, गांव में विकास एक अलग तरह से चल रहा है। इससे पहले पंचायत नरहावली गांव में थी, पर अब जो पंचायत जब से अलग हुई है इस गांव का कुछ ना कुछ कहते एक तरीके से जो अधिकारी हैं विधायक हैं उन्होंने सोचा इस गाँव के लिए, एक सुध ली है इस गाँव की, और उस सुध के हिसाब से इस गाँव में आज विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। कहीं कम्युनिटी सेंटर है, कहीं व्यायामशाला है, कहीं सड़क नाली रास्ते बने हुए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, चौपालों की तो ये समझ लो कि पूरी तरीके से झड़ी लगा रखी है इस गांव में। देखते हैं सरपंच युवा है, युवाओं की एक सोच होती है, इस बार जो सरकार की जो पहल थी युवाओं को आगे लाने की राजनीति में वो बहुत अच्छी जा रही है अभी तक, तो जो भी गाँव के युवा सरपंच है उसने गाँव की दिशा को बदल दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाला ढाई साल इस गांव के लिए कितना अच्छा साबित होता है। तो आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम बदलते गांव की बदलती तस्वीरों में सिर्फ इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात एक नए गांव की बदलती तस्वीरों के साथ। जी, हमारे ग्राम पंचायत मेहमदपुर में बड़े ही व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराए गए हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन व्यायामशाला का निर्माण हुआ है जिसमें मैंने खुद भी विजिट की थी, तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी कराए गए हैं, व्यायामशाला है, कम्युनिटी सेंटर का निर्माण है, चौपालों का निर्माण है, रास्ते तो नियमित रूप से कराए ही जाते हैं, तो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी के जो काम हुए हैं और इनसे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। तो ग्राम पंचायत काफ़ी अग्रसर है विकास कार्यों में,
मैडम, एक युवाओं की एक सोच होती है, युवा सरपंच अब की बार बने हैं और एक अच्छा विकास कार्य, एक अच्छी गति मिल रही है गांव के लोगों को भी, पर एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है स्कूल के रास्ते की। वहां पर अगर बारिश हो तो बिल्कुल कोई भी बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच सकता जी। वो कब तक ये इस मामले में जो पंचायत का जो प्रस्ताव है वो हमारे पास पहुंच गया है, जिसको SDO पंचायती राज को मार्क कर दिया गया है। इसमें जल्द ही हमारे पास एस्टीमेट तैयार होकर आ जाएगा और कोशिश करेंगे कहीं से भी, चाहे DC साहब से रिक्वेस्ट करें, ADC साहब से, डी प्लान के अंदर उसको लें या फिर पंचायत के अपने फंड से कुछ देखें, हम इसको रास्ते को जल्द ही बनवाएंगे और हमने इसको प्रायोरिटी पे प्राथमिकता देते देकर इस कार्य को कराने के लिए हाँ की है। मैडम, आपके अंदर कई गांव आते हैं पर उन गांवों में से एक मेहमतपुर की जो व्यायामशाला बनाई है बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनाई है, गांव के लोग भी संतुष्ट हैं, वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि ठेकेदार जिसको दी गई है उसने बड़ी मेहनत और निष्ठा के साथ उसको बनाया, पर अन्य गांवों में इस तरीके का कुछ नहीं देखा जा रहा है जी। देखिए, इस मामले में मैं पूरा श्रेय जो है वो हमारी ग्राम पंचायत, जिनके मुखिया सरपंच जो रहते हैं उनको, ग्राम पंचायत को और गांव के लोगों को देना चाहूँगी। ये उन्हीं का जज्बा है जो उनके गाँव में एक अच्छी चीज़ बनकर तैयार हुई है, क्योंकि देखिए जितना किसी चीज़ से पर्सनल लगाव रखेंगे, उन्हें पता है कि हमारे ही बच्चे इसमें खेलने वाले हैं, ना कि किसी अधिकारी के या ठेकेदार के। तो गांव वाले भी काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी जुझारू हैं, देखते रहते हैं समय समय पर आकर। अगर मैं दूसरे गांव वासियों से भी यही अपील करूंगी, आपके गांव में कोई भी चीज़ ग्राम पंचायत द्वारा जो तैयार की जा रही है उसमें समय समय पर आकर विजिट करें, क्वालिटी का ध्यान रखें, क्वान्टिटी का ध्यान रखें, तो ऐसे कई नायाब जो है हमारे चीज़ें जो बनकर तैयार हो जाएंगी। खास कार्यक्रम बदलते गांव में आज बस इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात आपके ही पड़ोसी गांव की बदलती तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BBM News। नमस्कार।